सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही उठ रहा है कि आखिर जेएनयू का गुंडा कौन है। जेएनयू में रविवार शाम को हुए हिंसा मामले में एक चश्मदीद सामने आया है। चश्मदीद की अगर यहां पर बात की जाए तो चश्मदीद ने आंखों देखी घटना के बारे में विस्तार रूप से बताया। वहीं दूसरी ओर चश्मदीद का दावा है कि जो नकाबपोश छात्र लाठी डंडे लेकर कैंपस में घुसे थे उनमें से कुछ जेएनयू कैंपस के ही हैं। देखिए हमारे संवाददाता साहिल भामरी से चश्मदीद ने क्या कुछ कहा। जेएनयू हिंसा मामले में अभी तक किसी नकाबपोश की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वहीं इस वक्त मैं जेएनयू कैंपस के मेन गेट के बाहर मौजूद हूं और रात का वक्त है। मैं आपको तस्वीरों में पहले तो दिखाना चाहूँगा, ये देख सकते हैं मेन गेट है जेएनयू कैंपस का और जो अंदर आप सिविल में जो महिलाएँ और जो शख्स जो पुरुष खड़े हैं ये तमाम दिल्ली पुलिसकर्मी के लोग हैं और सिविल ड्रेस में पूरी एक तरह कहा जाए पुलिसकर्मियों को पूरे कैंपस में तैनात किया गया है। वहीं बात करें मैं आउटसाइड की तो मैं बाहर गेट की तस्वीरें मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा। बाहर की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जो सिविल ड्रेस में जो पुलिसकर्मी मौजूद हैं वो भी दिल्ली पुलिस के कर्मी हैं। अलग अलग जिले से तमाम भारी संख्या में पुलिस बल को यहाँ पे बुलाया गया है। रात का वक्त है, पुलिस बल को तैनात किया गया है। बड़े जो अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के वो भी मौके पर मौजूद हैं। वहीं आज जॉइंट सीपी शालीन सिंह भी पहुँची थी यहाँ पे एक तरह से पूरी तरह से घटनाक्रम को समझने के लिए। वहीं क्राइम ब्रांच की टीम भी आज पहुंची थी यहाँ पे। तमाम जो कैंपस के अंदर जो तमाम सीसीटीवी फुटेज लगे कैमरे लगे थे उनको कब्जे में ले लिया है। नकाबपोश की तलाश की जा रही है। वहीं दूसरी ओर एफएसएल टीम भी पहुंची थी, अहम अहम सुरागों को एक तरह से कब्जे में लेके जाँच की जा रही है। वहीं एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पेरियर हॉस्टल के छात्र हैं, मनदीप, उनसे बातचीत करते हैं। मनदीप, उस दिन रविवार किस दिन शाम 4 बजे के आसपास क्या हुआ था? एक 350-400 की जो भीड़ थी वो सीधी पेरियर हॉस्टल की तरफ आई और उनके हाथों में लाठी डंडे थे। तो मैं किसी प्रोग्राम से वापस आ रहा था तो हॉस्टल जाने के लिए, लेकिन तो उधर उन्होंने भीड़ ने आके अंदर से जाके पत्थर वत्थर मारना, जो भी डंडा वंडा मारना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद काफ़ी डैमेज भी किया उन्होंने। बिल्डिंग जो गेट वगैरह थे उनको तोड़ा, शीशे वगैरह को फोड़ दिया उन्होंने। मंदीप, ये जो छात्र थे लेफ्ट विंग के छात्र थे या फिर राइट विंग के छात्र कहा जाए? ऐसा है कि पेरियार के अंदर जेएनयू में सबसे ज़्यादा अगर एबीपी का कार्यकर्ता था वो जेएनयू के पेरियार हॉस्टल में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जिन उन पर हमला किया तो लेफ्ट विंग ही था वो। तो क्या लगता है, एक कहा जा रहा है कि कुछ कोड वर्ड्स का भी यूज़ किया गया था व्हाट्सएप के जरिए? कुछ कोड वर्ड है, जो कोड वर्ड सिर्फ रूम नंबर्स के लिए यूज़ किया गया है, वो चाहे आपने साबरमती वाली वीडियो में सुना हो या जो पेरियार में बना उसमें सुना हो, वो कोड वर्ड जो आपने सुना है कि 51 बोल रहे हैं 53 वो रूम नंबर्स हैं, वो और कोई कोड वर्ड नहीं है। तो जो नकाबपोश जो लोग यहाँ पे पहुँचे थे जिन्होंने लाठी डंडे रॉड से मारपिटाई करी, तो आप उन सब नकाबपोशों को पहचानते हैं? जो मेरे पेरियार में आए थे, क्योंकि मैं पेरियार में रहता हूँ तो मैं ज़्यादातर को जो लीड कर रहे थे उनको मैं जानता हूँ, पर्सनली भी जानता हूँ उनको। तो वही मेरा आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरीके से घटना घटी तो उस वक्त आपको भी कहीं चोटें आई थी या आप कोई घटना से दूर थे? नहीं नहीं, मैं इस घटना में मुझे चोट नहीं आई है क्योंकि मैं उस घटना स्थल से बाद में कम से कम 50 मीटर दूर खड़ा हो गया था जाके, ताकि पत्थर वगैरह ना लग जाए क्योंकि बुरी तरह से पत्थर वगैरह फेंके जा रहे थे इसलिए। जैसे कि देखा, जो हमारे साथ चश्मदीद थे हॉस्टल के छात्र हैं जिन्होंने पूरी तरीके से बताया कि उनके सामने किस तरीके से जो छात्र भारी संख्या में 250-300 जो लोग पहुंचे, डंडे लाठी डंडे से पिटाई करना शुरू कर दी। वहीं दूसरी ओर ये भी बताया जा रहा है कि आज जो है एक तरह से जॉइंट सीपी यहां मैडम पहुंची थी और क्राइम ब्रांच भी पहुंची थी, लगातार जाँच कर रही है, सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है, जो नकाबपोश जो लोग थे उनकी भी धरपकड़ कर रही है। वहीं जो चश्मदीद थे मनदीप, उन्होंने बताया जो नकाबपोश जो लोग थे ये चश्मदीद का कहना है, जो छात्र थे ये जेएनयू के थे, कैमरा पर्सन चंद्रशेखर के साथ। साहिल भामरी, टोटल न्यूज़, दिल्ली।